सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी अजेतू है, कदे भी हार नहीं सकती। पूरे देश दे विच ये धारणा भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों बना दी गई है। पूरे देश दे विच बीजेपी दे वल्लों इस मोदी अते शाह दी जोड़ी दे वल्लों जित दर्ज करन तो बाद बहुत सारे सूबियां दे विच चमत्कारी जित्तां भी इस जोड़ी दे वल्लों दर्ज कीतियां गईयां ने। हुण पंज सूबियां दे विच चोणां हो चुकियां ने। मोदी अते शाह दी जोड़ी दा पूरा जोर इन्हां पंजां सूबियां दीयां चोणां दे विच लगा होया सी। खास तौर ते पछमी बंगाल नू अपने नक दा सवाल, जिवें खेती कानूनां नू अपने नक दा सवाल मोदी अते शाह दी जोड़ी वल्लों बनाया गया सी, उसे तरह ही पछमी बंगाल दीयां चोणां नू वी मोदी अते शाह दे वल्लों अपने नक दा सवाल बना लिया गया सी। इसे करके ही पूरी दुनिया दे विच भावें भारत सरकार दी किरकिरी हुंदी रही कि करोना इन्नी तेजी नाल फैल रहा है, पर फिर भी इत्थों दे सब तों ज़्यादा जिम्मेवार दो बंदे, एक प्रधानमंत्री अते दूजा गृह मंत्री, चोण रैलियां करदे फिर देने। इस दे बावजूद, किरकिरी दे बावजूद, इन्हां दोनों दे वल्लों रज के रैलियां पछमी बंगाल दे विच कीतियां गईयां कि किस ना किस तरीके इस वार तां पछमी बंगाल अपने हत्थां विचों नहीं जान देना है। 29 अप्रैल नूं पछमी बंगाल दे विच आखिरी दौर दीयां चोणां भी हो गईयां ने। हुण आखिरी नतीजे 2 मई नूं आउणे ने, पर इस तों पहलां ही एग्जिट पोल बहुत सारे टीवी चैनलां दे वल्लों अते सर्वेखण करन वालियां कंपनियां दे वल्लों कीते गए ने। कई टीवी चैनल अते कंपनियां ने आपस विच मिल के ये सर्वेखण कीते ने, एग्जिट पोल कीते ने। एग्जिट पोल दा मतलब हुंदा है कि जेडे लोग वोटां पा के बाहर आए ने, जिन्हां ने बूथ दे विचों एग्जिट कीता है, उन्हां दे कोलों कंपनियां सर्वेखण करन वालियां कंपनियां पुछदियां ने कि तुसीं किस नूं वोट पा के आए हो, सूबे दे विच किस दी सरकार बन सकती है। पंजां सूबियां नूं लैके जिन्ने भी हुण तक एग्जिट पोल सामने आए ने, उन्हां नूं देखदिआं मोदी अते शाह दे मत्थे ते चिंता दीआं लकीरां साफ देखियां जा सकदियां ने। पर आखिर इन्हां एग्जिट पोलां दे विच अजिहे किहड़े अंकड़े आ गए ने जो कि भाजपा लई चंगे नहीं मन्ने जा सकदे। बिना समां गवाए सब तों पहलां तुहानूं पछमी बंगाल दे एग्जिट पोलां बारे दस दिंदे हां। जिन्ने भी मुख एग्जिट पोल भारत देश दे विच पछमी बंगाल नूं लै के कीते गए ने, उस बारे जानकारी तुहानूं देण जा रहे हां। पछमी बंगाल दे विच टोटल 294 विधानसभा दीआं सीटां ने। जिस भी पार्टी ने सरकार बनाउणी है जां फिर गठजोड़ ने सरकार बनाउणी है, 148 सीटां दी बहुमत उसदे कोल होणी बहुत जरूरी है। जिहड़े सर्वेखण कीते गए ने उहनां दे विच सब तों पहलां टाइम्स नाओ सी वोटर दे वल्लों सर्वे कीता गया है, जिन्हां दे वल्लों तृणमूल कांग्रेस नूं 158 सीटां दा अनुमान दस्सिया गया है। भारतीय जनता पार्टी नूं 115 सीटां दित्तियां गईयां ने। CPM अते कांग्रेस पार्टी दे वल्लों गठजोड़ करके पछमी बंगाल दे विच चोण लड़ी गई सी। टाइम्स नाओ अते सी वोटर दे वल्लों 19 सीटां इस गठजोड़ नूं दित्तियां गईयां ने। इस जिहड़ा सर्वे कीता गया इस एग्जिट पोल दे विच TMC दी सीधे तौर ते, तृणमूल कांग्रेस दी सीधे तौर ते सरकार बणदी दिखाई दिंदी है। 148 दी बहुमत है अते 158 सीटां इस एग्जिट पोल दे विच दित्तियां गईयां ने। जेकर गल करिए रिपब्लिक TV अते CNX दी, तां उहनां दे वल्लों भी 133 सीटां तृणमूल कांग्रेस नूं दित्तियां गईयां ने, जिन्हां दे विच 128 तों लै के 138 तक सीटां तृणमूल कांग्रेस नूं मिल सकदियां ने। भारतीय जनता पार्टी नूं 143 सीटां दित्तियां गईयां ने। अनुमान दस्सिया गया है कि 138 तों लै के 148 तक भारतीय जनता पार्टी नूं सीटां मिल सकदियां ने। CPM ते कांग्रेस दे गठजोड़ नूं 16 सीटां मिल सकदियां ने, 11 तों लै के 21 सीटां तक। इन्हां दे विच किते भी सीटां आ सकदियां ने। कांग्रेस पार्टी दे गठजोड़ नूं रिपब्लिक TV भारतीय जनता पार्टी दा चैनल मन्निया जांदा है। इस दे बावजूद उहनां दे वल्लों भी बहुमत, पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी नूं पछमी बंगाल दे विच नहीं दित्ती गई है। ETG रिसर्च दी जेकर गल करिए तां उहनां दे वल्लों ममता बैनर्जी दी तृणमूल कांग्रेस नूं 169 सीटां दित्तियां गईयां ने। अनुमान दस्सिया गया है कि 164 तों लै के 176 सीटां आ सकदियां ने TMC नूं, अते इस तों इलावा भाजपा नूं 110 सीटां इस सर्वेखण दे विच एग्जिट पोल दे विच दित्तियां गईयां ने। 105 तों लै के 115 सीटां भाजपा नूं मिल सकदियां ने। कांग्रेस पार्टी दे गठजोड़ नूं 10 तों लै के 12 तक इहनां नूं सीटां मिल सकदियां ने। जेकर गल करिए ABPC वोटर दी, तां उहनां दे वल्लों TMC नूं 152 तों लै के 100
64 सीटां दित्तियां गईयां ने। बहुत भारी बहुमत कह सकते हैं इसनू, जिहड़ी कि ABP सी वोटर दे वल्लों TMC नू दित्ती गई है। भाजपा नू 109 तों लैके 180 सीटां तक दा अनुमान दस्सिया गया है। कांग्रेस पार्टी दे गठजोड़ नू 14 तों लैके 25 सीटां तक मिल सकदियां ने। इस तरह पछमी बंगाल दे सर्वे दे विच भारतीय जनता पार्टी काफ़ी पिछड़दी दिखाई दिंदी है अते TMC दी सरकार एक बार फिर तो बनदी दिखाई दिंदी है। जेकर इन्हां सारे एग्जिट पोलां दी एक एवरेज तुहानूं दसण दी कोशिश करिए तां पछमी बंगाल दे विच TMC नूं एवरेज औसत जिहड़ियां सीटां मिलियां ने सारे एग्जिट पोल मिला के वो 149 ने, भाव औसत दे हिसाब नाल भी TMC दी सरकार बनदी दिखाई दिंदी है। जिहड़ा कांग्रेस पार्टी दा गठजोड़ है उसनू 15 सीटां दित्तियां गईयां ने औसत, सारे एग्जिट पोलां दी जेकर औसत कढ़दे आ। BJP नूं औसतन 131 सीटां सारे एग्जिट पोलां दे वल्लों दित्तियां गईयां ने। इह एग्जिट पोलां दे विच हुण इह गल निकल के सामने आउंदी है कि TMC दी सरकार पछमी बंगाल दे विच बन सकती है। अगली गल करते हैं असाम सूबे की, जिथे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इत्थे की कुछ सामने आया है, जिहड़े सर्वेखण सामने आए ने, एग्जिट पोल सामने आए ने, उन्हां दे विच सब तो पहला इंडिया टुडे एक्सिस की गल कर लैने आ, जिन्हां दे वल्लों भाजपा गठजोड़ नूं 75 तो लैके 85 सीटां दित्तियां जा रहियां ने। जेकर असाम दीआं सीटां दी तुहानूं जानकारी देईए तां असाम दे विच कुल 126 सीटां ने, जिथे कि बहुमत लई 64 सीटां जितना जरूरी है। इंडिया टुडे एक्सिस दे सर्वे दे विच 75 तो 85 सीटां मिल रहियां ने, जिसका मतलब है कि भाजपा नूं पूर्ण बहुमत एक बार फिर तो असाम दे विच मिलदी दिखाई दिंदी है। कांग्रेस पार्टी दे गठजोड़ नूं 40 तो 50 सीटां मिल सकदियां ने, होरां नूं 1 तो 4 सीटां मिल सकदियां ने। ABP से वोटर दे वल्लों जो सर्वे किया गया है उस दे विच 58 तो लैके 71 तक भारतीय जनता पार्टी नूं मिल सकदियां ने उन्हां दे गठजोड़ नूं NDA नूं, अते 53 तो लैके 66 तक कांग्रेस पार्टी दे गठजोड़ नूं असाम दे विच सीटां मिल सकदियां ने। लगभग इस एग्जिट पोल दे वल्लों भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार असाम दे विच दुबारा दिखाई जा रही है। होरां नूं 0 तो 5 मिल सकदियां ने। पी मार्क की गल करिए 62 तो लैके 70 तक असाम दे विच भारतीय जनता पार्टी नूं सीटां मिल सकदियां ने, पूर्ण बहुमत कह सकते हैं, जित रही है भाजपा। पी मार्क भी यही कह रहा है 56 तो लैके 64 तक कांग्रेस पार्टी के गठजोड़ नूं मिल सकदियां ने, होरां नूं मिल सकदियां ने 0 तो 4 तक। जेकर रिपब्लिक TV CNX की गल करिए उन्हां दे वल्लों 74 तो लैके 84 तक BJP गठजोड़ नूं असाम दे विच सीटां दित्तियां जा रहियां ने। कांग्रेस नूं 40 तो 50 अते होरां नूं 1 तो लैके 3 तक सीटां दित्तियां जा रहियां ने। सारे एग्जिट पोलां दे विच BJP दी सरकार असाम दे विच रिपीट हुंदी दिखाई दिंदी है। हुण वधदे आ केरल दे वल। केरल बारे तुहानूं जानकारी दे देना चाहुंदे आ कि केरल दे विच 140 सीटां ने, बहुमत लई 71 सीटां केरल दे विच चाहीदियां ने। जिहड़े सर्वे कीते गए ने, एग्जिट पोल कीते गए ने, उस बारे तुहानूं दस दिंदे आ। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया दे वल्लों जो सर्वेखण किया गया उस दे विच लैफ्ट गठजोड़ है जिहड़ा खब्बे पक्षी गठजोड़ है उसनूं 104 तो लैके 120 सीटां तक मिलदियां दिखाई दिंदियां ने, जिसका मतलब है कि 71 दे लई बहुमत लई 71 सीटां चाहीदियां ने, पर 104 तो 120 तक सीटां मिल रहियां ने। बहुत भारी बहुमत इस वेले भी खब्बे पक्षी गठजोड़ दी ही उत्थे सरकार है अते सरकार रिपीट हुंदी दिखाई दिंदी है। यूनाइटेड फ्रंट दी गल करिए जिस दे विच कांग्रेस पार्टी भी है तां उसनूं 20 तो लैके सिर्फ 36 तक ही सीटां मिल रहियां ने। भाजपा दे गठजोड़ नूं 0 तो लैके 2 तक ही सीटां मिलदियां दिखाई दिंदियां ने। रिपब्लिक TV अते CNX दे एग्जिट पोल की गल करिए 72 तो लैके 80 तक खब्बे पक्षी गठजोड़ नूं, यूनाइटेड फ्रंट जिस दे विच कांग्रेस पार्टी है उसनूं 58 तो लैके 64 तक सीटां दित्तियां जा रहियां ने। भाजपा दे गठजोड़ नूं 1 तो लैके 5 तक सीटां इस एग्जिट पोल दे विच केरला दे विच दित्तियां जा रहियां ने। मतलब है कि केरला दे विच खब्बे पक्षी गठजोड़ दी ही सरकार रिपीट होएगी। हुण गल करदे आ तमिलनाडु दी। तमिलनाडु भी काफ़ी अहम सूबा है क्योंकि उत्थे AIA DMK की सरकार है अते उस पार्टी दे नाल ही भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों गठजोड़ करके चोणां लड़ियां गईयां सन, पर इत्थे भी वड्डा सब तो वड्डा उल्टफेर तां इत्थे ही हुंदा दिखाई दिंदा है। जेकर तमिलनाडु दीआं तुहानूं सीटां की जानकारी देईए तां इत्थे टोटल सीटां 200
34 ने अते बहुमत लई 118 सीटां इत्थे जितनियां जरूरी ने। जिहड़े एग्जिट पोल आए ने तुहानू उन्हां बारे जानकारी दे दिंदे आं। रिपब्लिक टीवी CNX दे वल्लों 160 तों लैके 170 तक DMK गठजोड़, DMK द्रविड़ मुनेत्रा कज़गम अते कांग्रेस पार्टी दे वल्लों मिलके इत्थे चोणां लड़ियां गईआं ने। अते AIA DMK दे नाल भाजपा ने गठजोड़ करके चोणां लड़ियां ने। इत्थे कांग्रेस पार्टी वाला गठजोड़ पूर्ण बहुमत दे नाल जितदा दिखाई दिंदा है। BJP दे गठजोड़ नूं 58 तों सिर्फ 68 सीटां ही मिल रहीआं ने, होरां नूं 4 तों 6 सीटां मिल सकदीआं ने। पी मार्क दे एग्जिट पोल दी जेकर गल करिए तां उहनां दे वल्लों वी DMK प्लस कांग्रेस दी सरकार ही तमिलनाडु दे विच बनाई जा रही है। 165 तों लैके 190 तक सीटां दित्तियां जा रहीआं ने। जिहड़ी BJP गठजोड़ है उसनूं सिर्फ 40 तों 65 तक ही सीटां दित्तियां जा रहीआं ने। होरां नूं 1 तों 3 सीटां मिल सकदीआं ने। 118 दी बहुमत है पर फिर भी इन्हां दोनों एग्जिट पोलां दे विच 150 तों उपर सीटां DMK प्लस कांग्रेस नूं दे दित्तियां गईआं ने। तमिलनाडु दे विच वड्डा उल्ट फेर हुंदा दिखाई दिंदा है। कांग्रेस दे गठजोड़ दी सरकार तमिलनाडु दे विच भारी बहुमत दे नाल बन सकदी है। ये हो गए 4 सूबे जिन्हां दे विच चोणां सन। एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है, UT पुडुचेरी, उहदे विच वी इस वेले उल्ट फेर हुंदा दिखाई दिंदा है। उत्थे टोटल सीटां ने 30, जिन्हां दे विचों बहुमत लई 16 सीटां चाहीदियां ने। उत्थों दे जेकर एग्जिट पोलां दी गल करिए तां NDA नूं ABPC वोटर दे वल्लों 10 तों 23 सीटां दित्तियां गईआं ने। बहुमत है 16 ते 10 तों 23 सीटां NDA नूं भाव BJP गठजोड़ नूं उत्थे दे दित्तियां गईआं ने। अते SDA जिस दे विच कांग्रेस पार्टी है उस नूं 6 तों 10 सीटां, होरां नूं 1 तों 2 सीट मिल सकदी है इस एग्जिट पोल दे अनुसार। रिपब्लिक टीवी CNX दे वल्लों NDA नूं दित्तियां गईआं ने 16 तों 20 सीटां अते 11 तों 13 दित्तियां गईआं ने SDA नूं, भाव कांग्रेस पार्टी दे गठजोड़ नूं। इस तरह जेकर गल करिए पुडुचेरी दी, इस दे विच एग्जिट पोलां दे अनुसार NDA दी BJP गठजोड़ दी सरकार बन सकती है। इत्थे भी उल्ट फेर हुंदा दिखाई दिंदा है क्योंकि BJP दी सरकार पुडुचेरी दे विच भावें गठजोड़ नाल ही बन सकती है पर पहली बार होएगा कि उन्हां नूं पुडुचेरी दे विच लोकां दे वल्लों स्वीकार कीता जाएगा। पर जेकर कुल मिला के गल करिए तां दो सूबियां ते ज़्यादा जोर BJP दे वल्लों लाया गया सी, मोदी अते शाह दी जोड़ी दे वल्लों लाया गया सी सब तों ज़्यादा पछमी बंगाल ते, पर किसी भी एग्जिट पोल दे विच उन्हां नूं बहुमत मिलदी दिखाई नहीं दिंदी है। तमिलनाडु दे विच भी जोर लाया सी पर उत्थे तां बिल्कुल पासा ही पलट गया है। बहुमत, बहुत तगड़ी बहुमत कांग्रेस पार्टी दे गठजोड़ नूं DMK अते कांग्रेस पार्टी दे गठजोड़ नूं मिलदी दिखाई दिंदी है। हालांकि ये सारे एग्जिट पोल ने, असली नतीजे 2 मई नूं आउणगे, उदों ही पता लगेगा कि ऊठ किस करवट बैठदा है। सवाल तुहाडे कोलों पुछ लेना चाहुंदे आ कि इन्हां एग्जिट पोलां विच तुहानू किन्ना कदम लगदा है, किन्ने क सच्चाई दे नेड़े लगदे ने? तुहानू लगदा है कि यही नतीजे आ सकदे ने जां फिर इस दे नेड़े तड़े आ सकदे ने कि जां फिर बिल्कुल उल्ट नतीजे भी आ सकदे ने? जो भी तुहानू लगदा है, जो तुहाडी राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल ते जेकर नवे आए हो सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा। तुसीं देखदे रहो द पंजाब TV, हर खबर दा सच।